अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आपने सुना होगा, जब किस्मत मेहरबान होती है तो कुदरत कुछ ऐसे ही करिश्मे करती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो से हीरो बनने वाला लड़का कौन है और कहां का रहने वाला है? दोस्तों टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले आसिफ मगस्सी का ताल्लुक सूबा सिंध से है और आसिफ मगस्सी गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, जो कि कुछ अरसा पहले टिकटॉक इस्तेमाल करने लगा था। आसिफ मगस्सी को बचपन से पाक आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था, इस वजह से पाक आर्मी में सेलेक्ट ना हो सका। इसके अलावा आसिफ मगस्सी एक गरीब घराने से थे, जिसकी वजह से आसिफ मगस्सी अपनी ख्वाहिशात पूरी ना कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आसिफ मगस्सी की ज़िंदगी के बारे में बताएँगे कि कैसे एक वीडियो से आसिफ मगस्सी को पाकिस्तानी हीरो का लकब दिया गया और सोशल मीडिया की जीनत बन गए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। दोस्तों आसिफ मगस्सी टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले एक छोटे यूज़र थे, जिनका ख्वाब था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाना है। इस ख्वाब और जुनून को पूरा करने के लिए आसिफ मगस्सी पाकिस्तान के मिली नगमों पर लंबे जंप लगाते थे। दोस्तों आसिफ मगस्सी ने सबसे पहला लंबा जंप 15 जनवरी 2020 को लगाया, जिसमें उन्होंने एक नहर के ऊपर से जंप लगाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल तो नहीं हुई, लेकिन 2,00,000 लोगों ने देखी। इसके बाद से ये सिलसिला शुरू रहा। दोस्तों 1 अगस्त 2020, समझ लो आसिफ की किस्मत बदलने वाली रात, आसिफ मगस्सी ने 11 मोटरसाइकिलों के ऊपर से जंप लगाया, जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई और पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्समैनों ने आसिफ मगस्सी की तारीफें करना शुरू कर दी। यहां तक कि वर्ल्ड एथलीट्स ने भी इनकी तारीफ की और इनके टैलेंट को सराहा। आसिफ मगस्सी का कहना है कि जब वो सुबह उठे तो इन्हें कॉल आई कि आपसे पाक फ़ौज के जनरल बात करना चाहते हैं। आसिफ मगस्सी को अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था, कहीं ये ख्वाब तो नहीं या कहीं मेरे दोस्त मजाक तो नहीं कर रहे। दोस्तों जब पाक आर्मी के जनरल अकरम राही ने आसिफ मगस्सी से बात की तो जनरल साहब ने आसिफ को मुबारकबाद दी और इन्हें मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद आसिफ मगस्सी को मीडिया वालों की कॉल्स आना शुरू हो गई, जिसके बाद आसिफ मगस्सी को पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन वालों ने बुलाया। दोस्तों आसिफ मगस्सी का शौक है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना। आसिफ मगस्सी ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों आसिफ मगस्सी को इस वक्त हम लोगों की ज़रूरत है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें।